नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं भोलाझाल गांव के अंदर। मैं इसका ग्लोबल लोकेशन सबसे पहले आपको समझा देता हूं। ग्लोबल लोकेशन की बात करते हैं तो भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसके मेरठ जिले में और मेरठ की तहसील के अंदर ये भोलाझाल गांव आता है। इसका ब्लॉक जानी खुर्द है। इसके अलावा जो ये लोकेशन पॉइंट है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, इस लोकेशन पॉइंट को ही भोले की झाल बोलते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये रोड है अपर गंगा कैनाल रोड। हम आपको अपर गंगा कैनाल का व्यू भी देंगे। ये चौराहा है अपर गंगा कैनाल का। सामने आप देख रहे हैं ये पुलिस थाना है, भोले की झाल पुलिस थाना, पुलिस चौकी। ये सामने सतबाई गांव के लिए जाता है। ये सामने का जो लोकेशन है, ये लोकेशन लोकल कनेक्टिविटी में आपको बता रहा हूँ, सतबाई गांव, यहीं पर भोले के झाल गांव है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये प्रसिद्ध है भोले की झाल के लिए, ये लोकल एरिया मार्केट। ये रोड आगे मैं आपको बता देता हूँ, सीधे आप हरिद्वार हतोली के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जो यहाँ के MLA हैं वो जितेंद्र सतबाई जी, मौजूदा MLA जिनके अंडर में एरिया आता है। इसके अलावा जो इस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं। इसके अलावा यहाँ के ग्राम प्रधान की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्राम प्रधान है भोजराज सिंह जी, ग्राम प्रधान है यहाँ के। तो आपने ये कनेक्टिविटी समझ ही ली होगी लोकल कनेक्टिविटीज की। इसके अलावा सबसे पहले हम इसके लोकेशन पॉइंट पे जो भोले की झाल की पंचक्की जो कि अंग्रेजों के जमाने में करीब 130 साल पहले इस पंचक्की का निर्माण किया गया था। जो अपर गंगा कैनाल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया। तो एक भाग उसका यूज किया जाता है पंचक्की के लिए, जिस पंचक्की का यूज होता है आटे की पिसाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया भोले की झाल पंचक्की पर हम आपको लेकर आए हैं। अंग्रेजों के जमाने में 130 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। यहां से अपर गंगा कैनाल को दो भागों में बांटा गया है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये वाटर का प्रेशर इतने तेजी से इसको गिराया जाता है जिससे कि पंचक्कियां घूमने लगती हैं। यहां पे आप देख रहे हैं इस पंचक्की से जुड़ी हुई हिस्ट्री भी फ्रेंड्स हम आपको देखें। यहाँ पे पंचक्की के लिए जो पानी का प्रेशर है उसको इंजीनियरिंग डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो पानी बहुत ही तेजी से वो प्रेशर के साथ नीचे गिरता है। और सामने आप देख रहे हैं, सामने जो वहां पे पानी को डिवाइड किया गया है, दूसरी तरफ फाटक लगाए गए हैं, तो वो डिवाइडेशन किया गया जो सिंचाई वगैरह इरीगेशन वगैरह के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए। तो ये बेहतरीन प्लांट यहाँ पर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 130 साल पहले। तो उस वक्त जबकि आटे की चक्कियां बाकी नहीं हुआ करती थी, तो दिल्ली तक के लोग यहाँ पर पिसाई के लिए आते थे, बड़े समारोह के लिए पिसाई की जाती थी। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको लेकर आए हैं भोले की झाल गांव के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ की हम पंचक्की का व्यू आपको दे रहे थे। पंचक्की जहाँ पे आटे की पिसाई की जाती है, गेहूं से आटा बनाया जाता है। पुराने टाइम में 130 साल पहले का हमने इसका इतिहास बताया, अंग्रेजों के द्वारा 130 साल पहले इसकी निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि लोगों के पास उस वक्त आटे की पिसाई के लिए कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे, दूर दूर दिल्ली से करीब 100-200 किलोमीटर से यहाँ पर लोग बैलगाड़ी में अनाज लेकर आया करते थे और यहाँ पर आटा पिसवा के ले जाया करते थे। तो यहाँ के जो संचालन करता है वो इसके विषय में आपको कुछ बताएंगे, इसके साथ आप जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आटा बनाया जाता है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का आटे की पिसाई की जाती है। यहाँ पे जो संचालन करता है वो आपको अपना नाम बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि कितना सस्ते दर पर यहाँ पे आज भी आटे की पिसाई की जाती है। सर, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश है।
ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ये पंचक्की जो है यहाँ पे जो आटे की पिसाई की प्रक्रिया है, जो आटे को पीसा जाता है, वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है? पानी से क्या, किस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है? पहले इसमें पंखा है, इसके नीचे पंखा है, पंखा है, पंखे में एक केरल लगा रखा है, पंखे में गरारी लगी हुई है, ठीक है, एक धड़ा, धड़े के ऊपर पंखा आ रहा है, पंखे के ऊपर साफ्ट आ रही है। ओके, फिर एक उसके ऊपर वेट लगा हुआ है, वेट के ऊपर साफ्ट है, ठीक है, साफ्ट में फिर मानी लगाई हुई है, ठीक है, पत्थर घूमता है, साफ्ट में जो मानी लगी हुई है पत्थर घूमता है, पानी के गिरने से उसका प्रेशर बनता है, ठीक है, पानी के गिरने से पंखे के अंदर जो साफ्ट लगी है और जो जो वेट लगा हुआ है, वेट यानी कि वजन पत्थर, वो घूमता है और उसके बाद वो पंचक्की चलती है, उसके बाद पिसाई होती है जिससे बहुत ही बढ़िया उत्तम क्वालिटी का आटा है वो पिसता है। इसके अलावा जो यहाँ पे पिसाई के रेट हैं, चार्ज वो क्या है? एक रुपया किलो की केवल पिसाई होती है, यानी कि 100 रुपए में आप 1 क्विंटल अनाज पिसवा सकते हैं, यानी कि 100 किलो अनाज जो की 100 रुपए कई लोगों के लिए महीना 2 महीने के लिए अनफ होता है, तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता है ये। इसका व्यू एक दिखा देते हैं हम आपको, आप हमारे साथ चलेंगे। ये पंचक्की का व्यू है, 130 साल पुराना इतिहास, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ये पंचक्की, इसका व्यू हम आपको दे रहे हैं। ये इसका भी लो, उसका भी लो, इसका इसका, ये आप एक बार देख रहे हैं, ये वेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं, ये वेट लिखा हुआ है। इनका लेकर इनसे पूछो, बताओ आटा कहाँ से पिसवाना? ये पंचक्की के अंदर का जो नहर के पानी से पंचक्की चलती है और उसी से पिसाई होती है, भोले की खाल जो कि फेमस है, दिल्ली भारत की राजधानी से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। केवल आप ये देख रहे हैं प्रक्रिया, आप देखें प्रक्रिया पंचक्की कैसे चलती है। आप देख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बाहर पानी के प्रेशर से जो पंखों के ऊपर दबाव पड़ता है उनसे ये वेट घूमते हैं, ये राउंड होते हैं और ये लगातार पंचक्कियां पिसाई करनी होती है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का आप देख रहे हैं, आपने देखा ये, आप देख रहे हैं इसके बाहर जो अपर गंगा कैनाल का पानी है जो बहुत ही प्रेशर से ऊपर से गिरता है, उससे पंखे चल रहे हैं और उन्हीं से इसका निर्माण होता है। जो पानी की बैलते हैं वो बैलते घूमती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, यहाँ से पानी से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण भी होता है, यहाँ से ऑल्टरनेटर वर्क करता है, घूमता है ऑल्टरनेटर पानी से और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण भी हो जाता है। 130 वर्ष पुराना ही जगह आप भी देख सकते हैं, बेसिक ऐसी है यहाँ पर। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना आटा पिसाने आते हैं। इसी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे भोला गांव के अंदर। पंचक्की के संचालक हैं जो हमें जो आटा है पिसता है उसकी गुणवत्ता के बारे में बताना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। जी जाकी जी, यहाँ पर कब से हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, क्या बताना चाहेंगे आप आटे की क्वालिटी के बारे में? ये है कि जैसे जो बहुत बहुत दूर के आदमी पिसवाने के लिए आते हैं जी, इस आटे में खासियत ये है कि एक तो गिटारली होती जी, दूसरे गैस नहीं बनाता जी, 1 किलो आटा 1.5 किलो पानी लेता है जी, पेट के लिए बहुत बढ़िया है जी, इसकी रोटी जो है सुबह 7 तक अगर ऐसी जरी रहेगी तो तुम कहोगे ताजी है, मतलब किसी बात की दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत दिल्ली तक के आदमी पिसवाने के लिए आते हैं और लाइन लगी रहती है नंबर से पिसता। देखिए आप देख सकते हैं कि नंबर आता है यहाँ पर, लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं आटा पिसवाने के लिए, तो गुणवत्ता में काफी अच्छा आटा है और स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा है। धन्यवाद आपका सर।
अभी जैसे कि हमने आपको भोला गांव के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी है, वहां का एंट्री पॉइंट आपको दिखाया, इसी के साथ हम आपको भोले गांव के अंदर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेन अपर गंगा कैनाल से छोटी मिनी कैनाल को निकाला गया सिंचाई इरीगेशन के लिए, किसानों के लिए इरीगेशन, सिंचाई की पूर्ति, पानी की आपूर्ति, फसलों के बेहतरीकरण के लिए सब कुछ किया गया है। अंग्रेजों के जमाने का ही ये सारा कुछ। ये आप देख रहे हैं इधर सहकारी समिति, आप देख रहे हैं भोला गांव सहकारी समिति। आप ये देख रहे हैं सिंडिकेट बैंक एटीएम व्यवस्था, आप यहां पे देख रहे हैं बैंक की व्यवस्था, सहकारी समिति की व्यवस्था, इरिगेशन के लिए मिनी कैनाल की व्यवस्था। इधर आप सहकारी समिति का व्यू आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत भोले की झाल से चार पांच अलग अलग मिनी कैनाल को कनेक्ट किया गया है। आप देख रहे हैं आम के घने बागों से घिरा हुआ ये एरिया है। ये एरिया अपने आप में बहुत खूबसूरती के साथ है क्योंकि चारों तरफ यहाँ बाग ही बाग है। बागों के लिए एक फेमस है ये पूरा एरिया। यहाँ पे फ्रूट आम के पेड़ों के साथ साथ जो पौधे हैं वो फलों से एकदम लदे हुए होते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि हमने आपको इंटरनल व्यू आपको दिखा रहे हैं विलेज के अंदर अंदरूनी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काली रोड जो काली रोड होती है उसी के साथ ये पूरा गांव के अंदर तक ये फैसिलिटी है रोड की। घरों की पूरी एकदम नवीनीकरण के साथ जो रेनोवेशन है उसी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पे हैंडपंप्स की व्यवस्था क्योंकि बिल्कुल ये अपर गंगा कैनाल के साइड में है ये गाँव, तो अपने आप में बहुत ही बेहतर व्यवस्थाओं के साथ है। पानी की, बिजली की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भोला गांव की चौपाल पे हम हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग काफी खुश हैं। इधर ये आप देखिए सोलर पैनल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्ट्रीट लाइट्स, ये देखिए नालियों के ऊपर यहाँ पे स्लैब्स लगी हुई हैं। नालियां हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, गांव स्टैंडर्डाइज्ड है। आप ये देख रहे हैं ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हर जगह पर। देखिए सरकार जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार, इसकी तरफ से जितने भी गांव अभी तक हमने विजिट किए हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से विकसित है। यहाँ देखिए इतनी बड़ी चौपाल है जिसको इंटरलॉक आप देख सकते हैं। गाँव के बाहर ये बहुत ही पुराना मंदिर है, इसकी बनावट बहुत पुरानी दिख रही है यहाँ पर। दोस्तों अभी हम गांव के बाहर आ गए हैं एग्जिट पॉइंट पर। इसी के साथ इसकी वीडियो खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाइए और आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट गांव में। अभी आप बने हुए थे हमारे साथ भोले की झाल गांव में।